मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। तो कैसे हो बंटाए की पब्लिक। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि एमवे बंटाए का जो बाबू किंग के साथ बीफ चल रही थी उसको फाइनली एमवे बंटाए ने जीत लिया है। और एमवे बंटाए ने अपने थर्ड डिस में किंग भाई को बहुत गंदी तरीके से पेला था। तभी बाबू किंग ने इस डिस को सुनने के बाद उन्होंने डिस से ही अपने आप को कर लिया है। कल उन्होंने रोते हुए एक स्टोरी लगाकर बोला था कि आई वुड लाइक टू क्विट दिस नॉनसेंस बीफ हियर एंड मूविंग ऑन टू द बिगर गोल्स। शिट इज नेवर एंडिंग, दिस हैज बिकम अ सर्कस नाउ। आई सेड व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस एंड टॉक्ड आउट। अब तो बस यहाँ वहाँ गोल गोल घूमती रहेगी। आप जीत गए, आप दुनिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट और सेंसिबल रैपर हो, खुश रहो। भाई ने फाइनली अपनी हार मान ली है। अब ये डिस बिल्कुल खत्म हो चुका है। बाकी आप सबने एमवे बंटा के डिस में ये लाइन तो सुनी होगी जिसमें उन्होंने किंग को बोला था कि मुझे सावला बोल रहा है तू कोयले, ब्राइटनेस कम करू शकल गायब हो जाएगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करू शकल गायब हो जाएगा। भाई साहब क्या ही खतरनाक एमवे बंटा है, एक रैपर के साथ रोस्टर भी है। मुझको तो एमवे बंटा है की ये लाइन भाई काफी पसंद आई है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि काफी बैड न्यूज है। एमवे बंटा का जो रोको डिस था वो अभी अभी उनके यूट्यूब चैनल से रिमूव हो चुका है, वो भी कॉपीराइट क्लेम की वजह से। ये कॉपीराइट क्लेम भाई एक हुलसी यूट्यूब चैनल ने दिया है। इसी चैनल में वही बीट का एक सैंपल अपलोड है जो एमवे बंटा ने अपने रोको डिस में यूज करा है। लेकिन अभी अभी भाई हुलसी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी देखने को मिली है जिसमें इसी कॉपीराइट इशू की बात की होती है, जिसमें लिखा होता है कि उनकी पूरी टीम एमवे बंटाए से अपोलोजाइज करती है और वो बोलते हैं कि उनके प्रोड्यूसर ने बिना टीम को बताए इस बीट को बेच दिया था और अभी उनकी टीम इस चीज को हैंडल कर रही है। बाकी देखते हैं कि एमवे बंटाए का डिस वापिस आता है या नहीं। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो एमवे बंटाए के डिस पर उनकी मम्मी जी का भी रिएक्शन आ चुका है। उनकी मम्मी जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करा था जिसमें आप लोग देख ही सकते हो कि एमवे बंटाए किंग को कर इस बीफ को जीत गए हैं। बाकी पब्लिक बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो अभी जो हनी पाजी की ग्लोरी एल्बम आई है उसी पर अभी अभी एमवे बंटाए का भी रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने इस एल्बम को लेकर एक स्टोरी लगाकर लिखा है कि यो यो हनी सिंह पाजी एल्बम, और पाजी ने भी इसी स्टोरी को रीशेयर करते हुए लिखा है कि थैंक यू भाई। बाकी बंटाए की पब्लिक इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।